हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्बो चार्जर की। दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा हर तीसरी गाड़ी के अंदर आपको टर्बो चार्जर मिलता है, चाहे वो आपकी हैचबैक हो, चाहे सिडान सेगमेंट की गाड़ी हो, चाहे आपकी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी हो, हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई इंजन वेरियंट आपको टर्बो चार्जर का मिल जाएगा और वो पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में बेसिकली पाया जाता है। पर दोस्तों, जब आप किसी से पूछते हैं कि टर्बो चार्जर की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर लोगों के ओपिनियंस जनरली बाइफर्केटेड मिलते हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे कि हाँ, पावरफुल गाड़ी हो जाती है टर्बो लगने से तो आपको लेनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि पावरफुल तो हो जाती है पर उसके अंदर पावर का लैग आता है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्चुअल में टर्बो चार्जर वाली गाड़ी में पावर ज्यादा मिलती है, क्या उसके अंदर पावर लैग होता है या नहीं होता है, और अल्टीमेटली ये कंक्लूड करेंगे कि क्या आपको टर्बो चार्जर वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर मैं गाड़ियों के रिव्यू, उनके कंपैरिजन, उनके लेटेस्ट प्राइस, स्पेसिफिकेशन, हर तरह की वीडियोस में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डालता रहता हूं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल गाड़ियों में इंजन कैसे परफॉर्म करता है जिनके अंदर टर्बो चार्जर नहीं होता। दोस्तों, इंजन के अंदर बेसिकली सिलेंडर्स होते हैं, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर्स की आपकी गाड़ी है। अब बात करते हैं सिर्फ 1 सिलेंडर की, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पेट्रोल इंजन का अभी के लिए। तो पेट्रोल इंजन के अंदर आपके ऊपर इनलेट वॉल लगी होती है जहां से एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर जाता है इनलेट वॉल के थ्रू। उसके बाद जो पिस्टन है वो मूव करता है और उस मिक्सचर को प्रेस करता है, और जब उसके पीक पर होता है तो ऊपर जो स्पार्क प्लग लगा होता है आपकी गाड़ी के सिलेंडर के ऊपर, वो वहां से इग्नाइट हो जाता है और बेसिकली जो आपका पूरा ये जो मिक्सचर था वो बर्न हो जाता है। यहां कंबशन जनरेट होगा और यहीं से गाड़ी पावर लेती है। और दोस्तों, उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज है, जो गैसेज और एयर का मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो जलने के बाद गैस में कन्वर्ट हो चुका है, वो एग्जॉस्ट वॉल से निकल जाएगा। उसके बाद पिस्टन नीचे मूव करेगा और इनलेट वॉल से एयर और फ्यूल का मिक्सचर फिर से अंदर खींच लेगा सक्शन की वजह से। दोस्तों, टर्बो चार्जर इंजन के अंदर क्या होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेज आपके एग्जॉस्ट पाइप से निकल के बाहर चली जाती थी, उन गैसेज की एनर्जी का यूज किया जाएगा। यूज कैसे होगा, एग्जॉस्ट पाइप के अंदर एक टर्बाइन लगा दिया जाता है, एक काइंड ऑफ फैन लगा दिया जाता है, वो गैसेज उस फैन पर जाके गिरती हैं और उस फैन को घुमाती हैं। उसी फैन के साथ एक और फैन अटैच कर दिया जाता है जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। वो कंप्रेसर काम क्या करेगा कि जो एयर आपके इंजन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाती थी, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर जाती थी, वो उस एयर को प्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा और ज्यादा वॉल्यूम को आपकी गाड़ी के सिलेंडर के अंदर पहुंचा देगा। इससे क्या होगा, जो आपका मिक्सचर है वो और ज्यादा रिच हो जाएगा और जो वॉल्यूम है एयर की वो ज्यादा बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जो आपका कंबशन है वो ज्यादा होगा, और उस ज्यादा कंबशन की वजह से क्या होगा, और ज्यादा एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी, एग्जॉस्ट गैसेज और ज्यादा फैन को घुमाएंगी, और ज्यादा एयर कंप्रेस होगी, और ज्यादा रिच फ्यूल मिक्सचर बनेगा, कंबशन और तेज होगा, अल्टीमेटली एक पूरा साइकिल बन जाता है। इससे होगा क्या कि आपने कोई भी एडिशनल एनर्जी नहीं लगाई उस एयर को कंप्रेस करने के लिए, आपने कोई ज्यादा बड़ा इंजन यूज नहीं किया, पर सेम इंजन से आपको पावर ज्यादा मिल गई। अल्टीमेटली आपने इंजन का साइज सेम किया और पावर ज़्यादा जनरेट कर ली। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेम इंजन पर जब टर्बो चार्जर लगा दिया जाता है तो बिना इंजन की स्पेसिफिकेशन को चेंज किए उससे पावर आउटपुट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह जो है वो टर्बो चार्जर आपकी गाड़ी में काम करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टर्बो इंजन के अंदर पावर लैग क्यों होता है। तो दोस्तों, बेसिकली सबसे पहले तो ये बता दूं कि टर्बो चार्जर एक स्पेसिफिक स्पीड पर जाकर किक इन करता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आपने गाड़ी चला दी और टर्बो चार्जर आपका एक्टिवेट हो गया। उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पीड चाहिए होती है जिससे वो गैसेज उस टर्बाइन को घुमा सके, अल्टीमेटली जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो सके और ज्यादा पावर जनरेट हो सके। तो पहली चीज तो यहां पर आती है। दूसरा, जब आप एक्सेलरेट करोगे तो रिच एयर का और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा, अल्टीमेटली वो एग्जॉस्ट गैसेज को बढ़ाएगा, पावर ज़्यादा जनरेट होगी, कंप्रेस होगी एयर मिक्सचर, उसके बाद अंदर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा साइकिल है आपकी पावर को बढ़ाने का, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड्स का डिले होता है। तो बेसिकली आपको फील ये होगा कि आपने अभी एक्सेलरेटर दबाया है और कुछ सेकंड के बाद आपको पावर मिलती है, और आपको ये फील होता है कि हाँ, पावर में लैग आ रहा है, कि आप जो प्रेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो गाड़ी पावर जनरेट कर रही है उसमें फर्क आ रहा है। जबकि जनरली इंजन के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप पेडल दबाएंगे एयर
और फ्यूल के अंदर फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली आपका इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देगा, तो आपको इंस्टेंटली पावर मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा लैग जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं टर्बोचार्जर इंजन के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको सेम इंजन से ज़्यादा पावर मिल जाती है। मान लो आप सेम गाड़ी लेते हो जिसके अंदर नॉर्मल इंजन है और उसी के अंदर टर्बो इंजन ले लेते हैं, तो आपको सेम गाड़ी में जो टर्बोचार्जर वाला इंजन है उससे ज़्यादा पावर मिल जाती है। दूसरा, आपका जो इंजन है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने इंजन का साइज नहीं बढ़ाया तो फ्यूल की जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी बच गई, जबकि पावर आपको ज्यादा मिल गई। तो पहला बेनिफिट पावर का, दूसरा बेनिफिट आपकी फ्यूल एफिशिएंसी का। और दोस्तों टर्बो इंजन के डिसएडवांटेज की बात करें तो पावर के अंदर जो लैग है वो जरूर देखने को मिलता है। हालांकि जो कार मैन्युफैक्चरर है वो इस पर भी काम कर रहे हैं कि एक टर्बोचार्जर यूज ना करके कई सारे छोटे छोटे मिनी टर्बोचार्जर को यूज किया जाए, ताकि जो पावर के अंदर जो लैग वाला जो इश्यू होता है उसको सोल्व किया जा सके। पर अभी तक मार्केट में जो टर्बो इंजन मिलते हैं उनमें पावर लैग का थोड़ा सा इश्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो अब आप बेहतर तरीके से जज कर पाओगे कि अल्टीमेटली आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो यकीनन आपको ये इंजन लेना चाहिए, क्योंकि पावर लैग का जो इश्यू होता है वो बहुत ही माइनर है और ओवर द टाइम आपको उसकी आदत पड़ जाती है। दोस्तों इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मैं गाड़ियों के रिव्यू, उनके कंपैरिजन, उनके लेटेस्ट प्राइस स्पेसिफिकेशन हर तरह की वीडियोस में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।